नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। मीडिया स्टूडेंट ने किया सुसाइड। घर वालों से विवाद के बाद कमरे में जाकर लगाई थी फांसी, इलाज के दौरान गई जान। रायपुर में सुसाइड की कोशिश करने वाली एक मीडिया स्टूडेंट ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक युवती राजनांदगांव की रहने वाली थी। घर पर इसने खुदकुशी करने का प्रयास करते हुए दुपट्टे से फांसी लगा ली थी। तुरंत परिजनों ने इसे बचाया और अस्पताल लेकर गए थे। राजनांदगांव के महेंद्र नगर इलाके में 25 साल की स्मृति ठाकुर अपने परिवार के साथ रह रही थी। इसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। फौरन मौके पर पहुंचे घर वालों ने उसकी जान बचाई और अस्पताल लेकर गए। राजनांदगांव में ही प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति बिगड़ती देख उसे रायपुर रेफर किया गया। राजधानी के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को स्टूडेंट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने रविवार को अपने घर में फांसी लगाई थी। घर में अपने परिजनों के साथ हुए विवाद के बाद गुस्से में आकर स्टूडेंट ने कदम उठाया। हालांकि किस बात पर बहस हुई, खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो सकी है। राजनांदगांव पुलिस इस मामले को देख रही है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक स्मृति ठाकुर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पढ़ाई कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय से कर रही थी। वो चौथे सेमेस्टर की छात्रा थी। रायपुर में ही किराए के मकान में रहकर एक प्राइवेट डिजिटल मार्केट एजेंसी में कुछ महीनों से जॉब भी कर रही थी। पुलिस स्टूडेंट के दोस्तों और यूनिवर्सिटी के लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। इस मामले में किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है।